नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के इस नए वीडियो में। मैंने कुछ दिनों पहले आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगी जिसमें हम सोने में निवेश कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो जैसा मैंने कहा था, वादा किया था, वो प्रॉमिस मैं पूरा कर रही हूँ। सो आज का वीडियो सोने में निवेश कहाँ, कैसे, कौन सा बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। देखिए, सोने में निवेश कि जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले ज्वेलरी दिमाग में आती है, गहने, सोने के गहने। मैं उसको निवेश नहीं मानती हूँ सोने का। तो भाई, ज्वेलरी क्यों होता है कि आप पहन लेते हैं, उसके बाद लॉकर में रखा रहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ज्वेलरी को निवेश के तौर पर देखते हैं। इसलिए आज हम ज्वेलरी को, सोने के जो गहने होते हैं, उसको हम निवेश के ऑप्शन के रूप में कंसीडर हम नहीं कर रहे। तो अब ऑप्शंस और क्या क्या बचे, विकल्प क्या क्या है। पहली चीज़ होती है सोने के सिक्के या फिर सोने के बार। एक चीज़ होती है गोल्ड ETF, मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसी से मिलता जुलता एक और विकल्प है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड। एक नया नाम आया है आजकल जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको SGB भी कहते हैं। और एक और नया प्लेयर है, एक नया विकल्प है जिसको हम डिजिटल गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये चार विकल्प आज आपको मैं बता रही हूँ कि किसमें, कैसे, कहाँ, कितना निवेश कर सकते हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और कौन सा विकल्प किसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोल्ड में। जो सोने के सिक्के और जो बार्स होते हैं वो निवेश का विकल्प एक है, वो कैसा विकल्प है। पहली बात तो ये कि ये कहाँ से ख़रीद सकते हैं आप। तो अगर आपको सोने के सिक्के या सोने के बार खरीदने हैं, उसमें निवेश करना है, तो आपको या तो किसी ज्वेलर के पास जाना होगा या फिर किसी बैंक में जाना होगा। इन दोनों जगहों से आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। फ़ायदा क्या है? अब जिनको सोने में निवेश करना है और चाहते हैं कि उनको उनका निवेश दिखे, मतलब सामने एकदम, तो वो फिज़िकल गोल्ड मिलता है आपको, मतलब बार और सिक्के मिलते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये तसल्ली आपको रहती है, ये इसका एडवांटेज है, इसका फ़ायदा है यहाँ पे निवेश करने का। डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान क्या है इसमें निवेश करने का। नुकसान से ज़्यादा ये दिक्कत कहेंगे कि आप इसको घर में नहीं रख सकते। घर में रखेंगे तो दिन रात ये आपको लोड रहेगा या फिर चिंता रहेगी कहीं चोरी ना हो जाए। तो एक तो इसको घर में रखेंगे तो ये परेशानी, और दूसरा अगर आप इसको लॉकर में डालेंगे तो उसको उसका चार्ज देना पड़ेगा, उसकी फ़ी देनी पड़ती है आपको। चार्जेस क्या होते हैं अगर आप सोने के सिक्के या फिर आप सोने के बार्स अगर निवेश के तौर पे ख़रीदते हैं, तो उसका जो मेकिंग चार्ज होता है वो 100 से 1000 रुपये के बीच में होता है। डिपेंड करता है कि आप कितने ग्राम का सिक्का ले रहे हैं, कितने ग्राम का बार ले रहे हैं। किन के लिए ये निवेश का ऑप्शन या विकल्प सही होता है? ये उनके लिए होता है जो तसल्ली चाहते हैं। भाई, मैं सोने में निवेश कर रहा हूँ, मुझे सोना दिखना चाहिए ना। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें सोना दिखता नहीं, आपके हाथ में नहीं होता। तो जिनको ये तसल्ली चाहिए कि मेरा निवेश मुझे दिखना चाहिए, मैं इसको छू सकूं, तो उनके लिए सोने के सिक्के या फिर सोने के बार जो हैं वो सोने में निवेश के विकल्प के तौर पर एक बढ़िया विकल्प है। अब बात करते हैं ऐसे ऑप्शंस या विकल्प की जहाँ पर आप सोने को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये है गोल्ड ETF, मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फंड नाम सुना, फंड से कुछ याद आता है, फंड मतलब म्यूचुअल फंड। तो वैसा ही समझ लीजिए, ये गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं ना, ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, आपको वहाँ से ख़रीदना होता है। आप इसको किसी ज्वेलरी की शॉप में, गहने की शॉप में या बैंक में जाकर नहीं ख़रीद सकते। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा, आप उसके ज़रिए जैसे शेयर खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही ये भी आपको ख़रीदना और बेचना होता है। इसमें आप कम से कम एक यूनिट, जो 1 ग्राम के बराबर होता है, आप उतना ख़रीदेंगे, उससे कम की खरीद यहाँ पर नहीं होगी। क्योंकि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो इसका जो NAV होता है, जो म्यूचुअल फंड में भी होता है NAV, नेट असेट वैल्यू, ये सोने की कीमत से ही जुड़ा हुआ होता है और ये ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे जो ख़रीदना, आप जो निवेश कर रहे हैं सोने में, जो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ख़रीदने की जो कीमत है, वो काफ़ी कम होती है। और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है।
फ़ायदा क्या है कि कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, इसमें आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आप अपना शेयर खरीदते बेचते हैं वैसे कर लीजिए इसको भी। इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, वो करीब 0.5 से 1% के बीच में होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब, क्योंकि ये फ़ंड है तो इसको मैनेज करने का खर्चा होता है ना, तो उस खर्चे को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। वो जो खर्चा है करीब 0.5 से 1% के बीच में होगा। और किन के लिए ये अच्छा है? देखिए, उनके लिए जो एक तो पहली बात फिज़िकल गोल्ड अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जब भी कभी भी खरीद सके कभी भी बेच सके, उनके लिए ये बेहतर है। यहाँ पे लिक्विडिटी आपको अच्छी मिल जाती है, मतलब लिक्विडिटी मतलब जब आप बेचना चाहें तो आप आराम से इसको बेच सके, उसमें बहुत देर या बहुत दिन ना लग जाए। तो जो लोग ये सब सुविधाएं चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF से ही मिलता जुलता एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड क्या कहाँ मिलेगा आपको? जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फ़ंड की किसी स्कीम में लार्ज कैप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, वैसे ही एक गोल्ड फंड होता है। तो गोल्ड फंड में भी आप उसी तरीके से निवेश कर सकते हैं जैसे किसी म्यूचुअल फ़ंड की स्कीम में करते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना एकदम ज़रूरी नहीं है। आप मंथली निवेश कर सकते हैं इसमें। अब गोल्ड ETF में मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता दूँ, गोल्ड ETF में आपको SIP की जो सुविधा होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो नहीं मिलती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में वो आपको मिल जाती है। आप जैसे कि बाकी अपना SIP करते हैं वैसे ही आप एक गोल्ड फंड में भी SIP कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है तो यहाँ पे ETF की तुलना में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा। और किसके लिए फ़ायदा क्या है इसका कि एक तो आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम दे के गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें आपके पास एक डिसिप्लिन आएगा। मान लीजिए कि आपने कोई एक लक्ष्य रखा हुआ है कि मुझे बेटी की शादी के लिए इतने लाख का सोना खरीदना होगा या देना होगा, जैसा भी है। तो आप उसके लिए दो तरीके की फिज़िकल गोल्ड खरीद के रखते जाएं अपने पास, तो आप 1 ग्राम 2 ग्राम तो खरीदते नहीं नॉर्मली, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है ख़रीदने की वैसे निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर हर महीने 500, 1000, 1500 जो भी आपका निवेश करने की रकम है वो डाल रहे हैं, और जब 10 साल 12 साल के बाद जो रकम आपको मिलेगी जब आप रिडीम करेंगे पैसा, तो उस पैसे से गोल्ड खरीद के या ज्वेलरी खरीद के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि डिसिप्लिन तरीके से सोने में निवेश किया जाए तो वो गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड को देख सकते हैं। इसके बाद अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है आपके पास सोने में निवेश के लिए, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम SGB कहते हैं। 2015 में भारत सरकार ने ये लॉन्च किया था। सो बेसिकली सरकारी सिक्योरिटी है जो गोल्ड में डिनोमिनेटेड होती है। आपके हाथ में गोल्ड नहीं आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसको जो इशू करता है वो जो सेंट्रल बैंक है भारत का, RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करता है। इसकी जो फाइनर पॉइंट्स है ध्यान से सुन लीजिए, इसमें 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है और 5 साल का लॉक इन। तो आप 5 साल के पहले इसको बेच नहीं सकते हैं। 5 साल के बाद अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो ये भी एक्सचेंज पर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, तो आप वहाँ पर बेच सकते हैं इसको अगर 5 साल के बाद निकलने की सोच रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आपने जब ख़रीदा है, निवेश किया है SGB में, तो आपको करीब 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना, जो 2 बार आपको मिलता है साल में। तो सोना अगर आप ऐसे कभी ख़रीदे तो सोना आपको कमाई करके देने वाला विकल्प कभी भी नहीं था निवेश का। यहाँ पर इकलौता ऑप्शन है जहाँ सोना आपको कमाई करके भी दे रहा है। आपने निवेश किया है, आप उस पर इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, और जब बेचेंगे आप SGB तो उस वक्त जो सोने का भाव होगा उसी रेट पर आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो बढ़ा हुआ रेट भी मिलेगा, साथ ही आपको जितने साल आपने उसको होल्ड किया है उतने साल आपको इसमें इंटरेस्ट ब्याज भी मिलेगा, जो कमाई आप कमाई के तौर पे देख सकते हैं। कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं इसमें? कम से कम 1 ग्राम, जो 1 यूनिट जिसको हम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन है इसमें,
कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो सोने तक का जो वैल्यू रहेगा, जो यूनिट्स रहेंगे, उतना ही वो खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत आप बैंक से ले सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम SHCIL कहते हैं, आप वहाँ से ये खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप इस पोस्ट ऑफिस में आपको फॉर्म मिल जाएंगे खरीदने के लिए। तो SGB एक ऐसा ऑप्शन है जो नया नहीं कहेंगे, 2015 में आया था, तो ठीक ठाक 3-3.5 साल हो चुके हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, विकल्प है सोने में निवेश का। लेकिन ध्यान रखिए कि ये विकल्प हमेशा आपके लिए खुला नहीं है। सरकार हर कुछ वक्त पर, कुछ महीने पर SGBs लेकर आती हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेकर आती हैं। आपको उसके लिए फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और आपको अलॉट किया जाता है। जब सरकार ये लेकर नहीं आती, जब ये बाज़ार में सरकार द्वारा नहीं बेचा जा रहा है, तब आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये स्टॉक एक्सचेंज पे देख सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो लिक्विडिटी है, ख़रीद बिक्री बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए शायद अगर आप चाहेंगे भी स्टॉक एक्सचेंज पे ख़रीदना, तो ख़रीदने और बेचने दोनों में शायद दिक्कत हो सकती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब चौथा एक आया ऑप्शन, बहुत पुराना नहीं है, इसको 2018 पिछले साल ही इनफैक्ट हमने देखा है बाज़ार में, जिसको हम कहते हैं डिजिटल गोल्ड। आपके पास गूगल पे और क्या क्या होता है, पेटीएम, मोबीक्विक या फिर फ़ोन पे, ये सारे जितने एप्लीकेशन है ना, आप इनके ज़रिए भी अब सोने में निवेश कर सकते हैं। मतलब इतना आसान हो गया है सोने में निवेश करना। अगर आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही भारी काम है, ये इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो अब वो एक्सक्यूज़ आप साइट में कर सकते हैं। यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1 रुपये तक का भी निवेश कर सकते हैं। 1 रुपये का सोना जो 0.00 something ग्राम होगा, वो भी आप खरीद सकते हैं। इसमें आप कहाँ से ले सकते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने 4 नाम बताए आपको, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक और फ़ोनपे, ये चारों पे आपको ये सुविधा मिल रही है। फ़ायदा क्या है, आप 1 रुपये का सोना भी खरीद सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इन चारों जो ऑप्शन दिए हैं मैंने, उनमें से किसी में है कि आपको 5 साल के बाद आपको इसको बेचना ही होगा। आप 5 साल और किसी में शायद 7 साल भी है। अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी चारों ऑप्शंस में सबसे बेहतर क्या है। तो किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, ये है कि उसके बाद आपको इसको बेचना है। अच्छी बात क्या है यहाँ पर एक और, कि आप चाहे तो 5 या 7 साल के बाद जब बेचें, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे कैश नहीं, मुझे सोना फिज़िकल गोल्ड चाहिए, तो आपको फिज़िकल गोल्ड की डिलीवरी भी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे, कि मैंने 10 ग्राम सोने में निवेश किया है पिछले 5 साल में, और अब मुझे इसको बेचना है, 5 साल पूरे हो गए, तो मुझे बेचना ही पड़ेगा। तो जब बेचेंगे हम उसको, तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे ये पैसे मेरे अकाउंट में नहीं, ये मेरे घर पे आने चाहिए सोना के सिक्के के तौर पे। तो आप जिस जो भी आप एड्रेस देते हैं, अपना पता देते हैं, उस एड्रेस पे आपको सोने की फिज़िकल सोने की डिलीवरी हो जाएगी। ये इसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, जहाँ पर आप चाहे तो कैश, चाहे फिज़िकल गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं। चार्जेस यहाँ पर देख लीजिए, चार्जेस जब आप डिलीवरी के लिए, अगर आप सोने को बोल रहे हैं कि मुझे कैश नहीं, मतलब नकद नहीं चाहिए बेचने पर, सोना चाहिए, फिज़िकल गोल्ड चाहिए, तो उसमें कुछ कुछ चार्जेस लगते हैं, वो आपको हम डिटेल अगली वीडियो में बताएंगे। और किसको ख़रीदना चाहिए, जिनको भी सोने में निवेश करना है, जिनको 100-500 रुपये की SIP भी नहीं करनी है सोने में, वो भी जिसके लिए दिक्कत है भाई, आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये कर कर के भी ना आप यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं डिजिटल गोल्ड के ज़रिए, ये जो स्कीम है इसके ज़रिए। तो ये 4 मेजर ज्वेलरी को मैंने साइड कर दी, गहने निवेश नहीं है। तो इसके अलावा 4 क्या विकल्प हैं सोने में निवेश के, वो मैंने आपको बता दिया। टैक्सेशन क्या लगता है, सबसे बेहतर विकल्प इसमें फ़िलहाल क्या है, अगर आप ये पूछें, टैक्सेशन को हम बाद में देखेंगे, तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश के लिहाज से बहुत ही अच्छा विकल्प लगता है। पहली बात ये कि जब इसको आप ख़रीदते हैं, तो इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता मुझे,
जैसे आपको अगर बार या क्वाइन खरीदे तो आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, प्लस आपको जीएसटी भी देनी पड़ती है, जो गोल्ड की वैल्यू होती है उसका 3%। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह के चार्जेस नहीं होते हैं। इस पे मुझे 2.5% का सालाना इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मैच्योरिटी के वक्त 8 साल के बाद जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मुझे उस वक्त जो सोने का भाव चल रहा है वो मिलेगा, और साथ ही टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 8 साल के बाद आपको जो कमाई होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। एक चीज़ और मैं भूल गई कि आप SGB को, मतलब ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसको आप लोन अगर ले रहे हैं तो कोलैटरल के तौर पे वहाँ पे रख सकते हैं। तो इन सब फीचर्स को देखते हुए फ़िलहाल मुझे लगता है कि निवेश के तौर पर, साथ ही एक चीज़ और भी लगती है कि सरकार क्योंकि ये जारी करती है तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई मैं पैसे लगा रही हूँ, पैसे डूब ना जाए, तो वो पीस ऑफ माइंड, यहाँ की शांति बहुत मायने रखती है, और ये SGB में आपको मिलता है, ये चीज़ वहाँ पर है क्योंकि सरकार जारी करती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि SGB एक बेहतर विकल्प है सोने में निवेश का। ये चार ऑप्शन के बाद अगला जो वीडियो आपको हम दिखाएंगे या लेकर आएंगे, उसमें हम डिजिटल गोल्ड, जो एक नया फीचर जिसके बारे में बताया मैंने, उसमें क्या बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कोई और क्वेश्चन हो, एक चीज़ और जानने के पहले, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने मिस कर दिया, देखिए टैक्सेशन में फिज़िकल गोल्ड तो हमने साइड कर दिया, मतलब गहने वहने तो साइड कर दिए हैं, और ये बताया कि 3% का GST लगता है जो सोने की वैल्यू होती है ख़रीदते वक्त। लेकिन जो बेचते वक्त जो टैक्सेशन होता है, फिज़िकल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड और इवन डिजिटल गोल्ड, इन सब में एक ही तरह का टैक्सेशन है। 36 महीने से पहले बेचेंगे तो जो भी कमाई होगी, मुनाफा होगा, वो आपकी कमाई में जुड़ जाएगा, और फिर जो आप टैक्स लैब में होंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना होता है। लेकिन अगर 3 साल के बाद, मतलब 36 महीने के तक रखा, उसके बाद बेचा, तो फिर आपको 20% का जो कमाई हुई उस पर 20% प्लस 4% सेस विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसके बारे में ये क्या होता है हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कभी, लेकिन ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो कमाई होगी आपकी 8 साल के बाद, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये SGB का एक मुझे बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। 36 साल के पहले, मतलब मान लीजिए इसमें मैंने बताया कि 5 साल का लॉक इन होता है ना, लॉक इन के बाद आपने अगर स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दिया, वो जो कमाई होती है वो आपके वही है जो आपकी कमाई में जुड़ जाएगी, और जो आप टैक्स लैब में होंगे वो टैक्स देना पड़ेगा। तो 36 महीने के पहले जो होता है ना, वो सबका ऑलमोस्ट सेम है। 36 महीने के बाद की कमाई पर फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड, सब में आपको 20% प्लस 4% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ, SGB में कोई टैक्स नहीं है। फिलहाल अभी तक तो यही है कि जो भी कमाई होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये मैंने एक आपको ओवरऑल एक मोटा मोटी पूरा बताया कि चार ऑप्शंस, बेहतर क्या है, मेरी पसंद क्या है। अगले वीडियो में हम डिजिटल गोल्ड, जो चार अभी लोग बेच रहे हैं, फ़ोनपे, मोबीक्विक और क्या है, गूगल पे है और पेटीएम, इन चारों के फीचर्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो नीचे लिखिए, या फिर आप खजाना बढ़ाओ @gmail.com ईमेल ID नीचे आपको दिख रही होगी, वहाँ पे लिखिए। और क्या बोलना था मुझे, आपको ये बोलना है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र में।